रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी अपनी माँ दिव्या और अपनी छोटी बहन आकांक्षा के साथ रहा करती थी। दिव्या को छोटी ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बेटियों को भी छोटे कपड़े पहनने नहीं देती थी। पर सलोनी को शॉर्ट ड्रेसेस बहुत पसंद थी और सबसे ज्यादा तो मिनी स्कर्ट्स पहनना। पर अपनी माँ से छुप छुपा कर वो मिनी स्कर्ट्स पहनना शुरू कर देती है और अपने कॉलेज के इवेंट में वो मिनी स्कर्ट्स पहन कर जाती है। दीदी तूने मिनी स्कर्ट पहनी है, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो वो ना तेरे साथ ना मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगे। डरपोक, मैं हमेशा बाहर मिनी स्कर्ट पहन के घूमती हूँ, आज तक मम्मी को पता चला नहीं ना, तो अब कैसे पता चलेगा। और तू मम्मी की चमची, तूने बताया ना तो देख लियो फिर। अपनी छोटी बहन का मुंह बंद करवा कर वो इवेंट को खूब एंजॉय करती है। तभी हर्ष नाम का एक लड़का उसके पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, बेबी आज तुम बहुत हॉट लग रही हो, चलो अकेले में एंजॉय करते हैं। मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम्हारी आदत ही बन गई है लेट आने की। दोनों कॉलेज के पास एक होटल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद होटल के वॉशरूम में ही सलोनी मिनी स्कर्ट चेंज करके अपना सूट डाल लेती है और वापस घर लौटती है। पर उससे पहले ही आकांक्षा घर आ चुकी होती है, जिस पर उसकी माँ दिव्या उससे बोलती है, आकांक्षा तुझसे बाद में कॉलेज गई थी और तुझसे पहले घर आ गई, और तू तुझे इतना लेट कैसे हो गया, और ये क्या कर रखा है मुंह पर इतना सारा मेकअप। वो माँ मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई और जल्दी जल्दी के चक्कर में मेकअप भी उतारना भूल गई और ऐसे ही चली आई। माफ कर दे बेटा, दिन और समय आजकल सही नहीं है लड़कियों के लिए, बस इसीलिए तुम्हारी चिंता लगी रहती है। माँ आपको हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ बस बुरा ही होगा मेरे साथ, पता नहीं आप ही अपनी पुरानी सोच कब बदलेंगी। सलोनी अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा अपनी माँ पर ही बरस जाती है और अपने रूम में जाकर अपने बॉयफ्रेंड हर्ष से बात करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सलोनी मिनी स्कर्ट पहनकर हर्ष के हाथों में हाथ डालकर उसके साथ घूम रही होती है और दिव्या उसे दूर से देख लेती है। लेकिन इस बात से अनजान सलोनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कपल पार्क में चली जाती है और जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी दिव्या उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सलोनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, अच्छा तो ये गुल खिला रही है तो मेरे पीठ पीछे। मम्मी हर्ष मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इसमें क्या बड़ी गलती कर दी मैंने। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो इस बात में कोई गलती नहीं है, लेकिन तू इस तरह सरेआम मेरी नाक कटवाते फिर रही है, ये है तेरी गलती। अरे मुझ जैसी विधवा ने तुझे और तेरी बहन को अकेले कैसे पाला है तुझे पता भी है। अरे आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी और बदले में तूने ये किया मेरे लिए। अरे आपने मुझे पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया, दुनिया के सारे माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए इतना ही करते हैं, और ये तो बिल्कुल मत बोलिए कि आपने मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका। अरे जब देखो तब मुझे रोक टोक ही तो करती हैं आप, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, मेकअप मत लगाओ और सबसे ज्यादा तो मिनी स्कर्ट मत पहनो। अब बोलो झूठ बोल रही हूँ मैं। सलोनी ये तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो, अरे मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था, पर तुम एक नंबर की बदतमीज हो। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी माँ समान हो, सलोनी मेरे सामने आपकी ऐसी बेइज्जती कर रही है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे बेटा तुम्हें क्या दोष दूँ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को कुछ नहीं कहते, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। सलोनी कुछ नहीं बोलती और गुस्से में घर ना जाकर वो अकेले रोल पर बैठकर सोचने लगती है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। उसके घर से बार बार फोन आता है पर वो किसी का भी फोन नहीं उठाती। ऐसे ही काफी रात हो जाती है और चलते चलते सलोनी एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है जहां कुछ गुंडे
पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और जैसे ही सलोनी वहां से गुजरती है तो वो लड़के धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो उन सब से थोड़ा घबरा जाती है और जल्दी से हर्ष को फोन करके उसे बोलती है। हर्ष, मैं यहाँ टी पॉइंट के पास हूँ, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। तुम घबराओ मत और अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, चिंता मत करो। सलोनी तुरंत अपनी लोकेशन हर्ष को भेज देती है। तभी उसके पीछे पड़े गुंडे उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक बोलता है, I swear, मिनी स्कर्ट में बॉम्ब लग दी मैनू, जाने मन ऐसे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, आए क्या कातिलाना लुक है, आए ये तेरी मिनी स्कर्ट मेरी तो जान ही लेके मानेगी। इतने में वहाँ एक दीपांशु नाम का लड़का आ जाता है जो कि वहाँ से अपने घर जा रहा था और वो सलोनी की मदद करने के लिए उससे कहता है, अरे दीपा तू यहाँ क्या कर रही है, चल घर चल, वैसे भी बहुत रात हो गई है, तेरा भाई आ गया है और तुम आवारा कुत्तों की तरह फिर लड़की को देखकर उसके पीछे पड़ गए, दूर रहना मेरी बहन से, समझे, अब जाते हो यहाँ से या भेजू जेल में। हाँ, एक बात तुम सब याद रखना, मेरी मिनी स्कर्ट नहीं बल्कि तुम्हारी सोच ही छोटी है। दीपांशु उन गुंडों को डांट कर वहाँ से भगा देता है, जिस पर सलोनी उससे बोलती है, थैंक यू, वैसे मेरा नाम सलोनी है, आपने एक भाई बनकर आज मेरी बहुत मदद की और ये लोग, इनको देखो ये कितने घटिया है, शायद आज मेरी मिनी स्कर्ट पहनने की वजह से ही ऐसा हुआ है, मुझे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं आना जाना चाहिए। अभी तो खुद ने बोला, छोटी मेरी स्कर्ट नहीं उनकी सोच है, जब सही गलत का फर्क पता है तो क्यों खुद को दोष दे रही हो, और तुम मेरी ना सही किसी की तो बहन बीवी बेटी हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और वैसे भी मैं इन गुंडों को बहुत अच्छे से जानता हूं, पहले भी धो रखा है इनको मैंने, तभी तो मुझे देखकर भाग गए। दीपांशु उसे घर छोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी वहां हर्ष आ जाता है और उसको गले से लगा लेता है। सलोनी हर्ष को सारी बातें बताती है कि किस तरह दीपांशु ने एक भाई बनकर उसकी मदद की, जिसके बाद दीपांशु कहता है, अगर कोई लड़की मिनी स्कर्ट पहनती है या छोटी ड्रेस पहनती है इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टरलेस है, भाई प्यार करते हो इससे थोड़ी इज्जत भी कर लिया करो, थोड़े गुस्से वाली है पर दिल की बहुत साफ है, हम अपने आप को कितना ही मॉडर्न क्यों ना बना ले, लेकिन जब तक हमारे दिल और दिमाग में पाप होगा हम कभी सुखी नहीं रह सकते। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही हर्ष को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से माफी मांगता है, जिसके बाद वो दिव्या को भी खूब समझाता है। इस हादसे के बाद सभी के नजरिए बिल्कुल बदल जाते हैं और कोई भी सलोनी को मिनी स्कर्ट पहनने से नहीं रोकता। हर्ष कुछ ही दिनों बाद उससे शादी कर लेता है और शादी के बाद सलोनी अपनी मर्जी से मिनी स्कर्ट्स पहनना बिल्कुल बंद कर देती है और हर्ष के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मिनी स्कर्ट वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।